नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक यह दोनों स्टेटों में सबसे ज़्यादा किसमें प्लेसमेंट है, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक ये दोनों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसमें है। बात करें प्लेसमेंट की तो बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक की, तो यह डाउट अशोक यादव का है। कैरियर अड्डा चैनल पर जब हम विजिट किए तो वहाँ यह क्वेश्चन देखने को मिला कि सर, यूपी पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है या बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। यह थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि प्लेसमेंट सभी कॉलेजों पर डिपेंड करता है। जिस स्टेट में ज़्यादा कॉलेज होंगे वहाँ का प्लेसमेंट अधिक होगा। बात करें यूपी और बिहार की तो बिहार की तुलना में यूपी में कॉलेज सबसे ज़्यादा है। बिहार में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 40 है और यूपी में 60-65 कॉलेज है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट यूपी स्टेट में होगी। आशा करता हूँ कि यह डाउट आपको क्लियर हो गई होगी अशोक जी। अब बात करते हैं कि यह दोनों स्टेटों में कंपटीशन सबसे ज़्यादा किसमें है, तो कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, लेकिन सिलेक्शन और सीट के मामले में यूपी बेस्ट है। बिहार में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, समझा जाए तो यूपी पॉलिटेक्निक की तुलना में बिहार में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर साल बिहार पॉलिटेक्निक में फॉर्म 4 लाख के आसपास बच्चे भरते हैं, वही यूपी पॉलिटेक्निक में 5-6 लाख के आसपास भरे जाते हैं। बिहार में 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट बहुत कम है। बिहार पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेजों में कुल सीट लगभग 12,000 के आसपास है, वही यूपी पॉलिटेक्निक में 19,000 के आसपास है। यूपी पॉलिटेक्निक में 5-6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वहाँ सीट भी अत्यधिक है, और बिहार पॉलिटेक्निक में सीट बहुत कम है और बच्चे फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और कौन सा स्टेट में नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।